हेलो दोस्तों, ये है 2 अगस्त का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ इंस्ट्रक्ट पैनिक अमंग टोबैको कंपनीज ऑफ यूएस बाय अनाउंसिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ निकोटीन इन सिगरेट टू नॉन एडिक्टिव लेवल्स। देखिए, पहले इसका मुद्दा बता देता हूँ, तब आप समझ में आएगा आपको क्वेश्चन। सिगरेट में जो होता है ना, एक निकोटिन होता है, ठीक है। निकोटिन सबको नशा चढ़ता है और उस नशे के लिए ही लोग सिगरेट को पीते हैं, है ना। तो एक निकोटिन का एक लेवल होता है, थ्रेशोल्ड लेवल, उससे ज़्यादा ही ये लोग सिगरेट कंपनी वाले निकोटिन डालते हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा निकोटिन होगा ना, लोग वही सिगरेट पीना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है ना, दिमाग में फ्रेशनेस आ जाता है ना। तो यही है, मतलब ये क्वेश्चन आपको ओवरऑल मैटर दिया, दैट यूएस के फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है टोबैको कंपनीज के, यूएस के टोबैको कंपनीज को, दैट आप जो ये थ्रेशोल्ड लेवल तक का, उससे जो ज़्यादा निकोटिन डाल रहे हैं उससे कम ही डालिए, या फिर उतना या फिर उससे कम डालिए, ठीक है। तो यही बोला जाता है, वहाँ के जो जितने कंपनीज है उनके बीच में डर आ गया है, ठीक है, क्योंकि अब तो उनका बिकेगा नहीं ज़्यादा सिगरेट अगर थ्रेशोल्ड या थ्रेशोल्ड लेवल से कम डाले तो, है ना। तो वही पूछा है, दैट्स डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मूव, मतलब इसके क्या क्या अच्छे और क्या क्या बुरे एंगल है, दोनों आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। ऑल्सो डिस्कस वाई दिस मूव इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, मतलब इसका इंपैक्ट इंडिया में क्या है वो लिखना है। तीसरा, मतलब देखिए, पहला तो आपको इसको पहले को डिकोड करना है, ठीक है। दूसरा, मैं आपको डिस्कस द सिग्निफिकेंस इन ऑफ दिस मूव, मतलब पॉजिटिव सिग्निफिकेंस और इसका नेगेटिव सिग्निफिकेंस दोनों डालना है। उसके बाद उसका जो इंडिया में क्या क्या फर्क पड़ेगा वो डालना है, ठीक है। 1 2 3 4, 4 पार्ट हो गया आपका, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। पहले मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख दिया निकोटीन के बारे में, जो कि मैंने अभी आपको समझाया है ना, वही चीज़ लिखा है इसमें, कुछ ज़्यादा नहीं है। दैट स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट स्टिल पीपल आर प्रिफरिंग द सिगरेट्स ओवर दैट इज हैविंग हाई निकोटीन कंटेंट इन इट टू गिव दम इंटरनल रिलीफ। इंटरनल रिलीफ नहीं तो फिर कुछ होता है दिमाग में, कुछ सेटिस्फैक्शन, जो सिगरेट पीते हैं वो लोग, आप लोग को तो पता ही होगा मतलब क्या होता होगा, है ना। तो एनीवेज, रिसेंट अनाउंसमेंट बाय द यूएस टू रिड्यूस द निकोटीन कंटेंट, क्यों उन्होंने लिया है उसका मैंने सिग्निफिकेंस बताया, मतलब उन्होंने उन्होंने डिसीजन क्यों लिया है, यही है मैंने, ये है उस सेंटेंस को डिकोड करना, ठीक है। ये तो मैटर मैंने थोड़ा लिख दिया, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बट डिकोड है एक्चुअली ये, दैट उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि वहाँ पर जो लोग सिगरेट पीकर जो बहुत लोगों की डेथ हो रही थी, साथ ही साथ ये एडिक्टिवनेस को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दे रहा था, क्योंकि ज़्यादा निकोटिन लेवल वाला मतलब लोग ज़्यादा सिगरेट पीते थे, है ना, क्योंकि उसमें ज़्यादा रिलीफ पहुँचा था इंटरनल। साथ ही आप देख लीजिएगा, अगर मॉडर्न लाइफस्टाइल देखिएगा उसमें यूथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे उससे, है ना, ऐसा यूएस डिपार्टमेंट का कहना है। मतलब क्योंकि लगता ही है ना यार, हाथ में अगर उंगली में सिगरेट लिए तो उन लोग को लगता है लड़की पट जाएगी, मतलब ये दिस इज द इंटेंशन, ऐसा होता है, ऐसा माना गया है। इनफैक्ट ऐसा मैंने किसी न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था, इसलिए मैंने बोला वो लड़की वाला बात, है ना। तो एनीवेज, ऐसा तो नहीं है दैट सिर्फ लड़कियां ही पीती, मतलब लड़के ही पीते हैं, लड़कियां भी प्रेफर करती है, क्योंकि उन्हें एक मॉडर्न लाइफस्टाइल में इतना टेंशन आ गया सबके दिमाग में, दैट उन्हों को टेंशन रिलीफ चाहिए सबके लिए, ठीक है। तो ये सारे रीजंस है यूएस के इस ऑर्डर देने का, मतलब, ठीक है। अब आ जाइए इसका मूव का, वही बोला ना, दैट दोनों एंगल आपको देखना है। सिग्निफिकेंस आपको पूछा था, सिग्निफिकेंस आप समय दो चीज़ों में हो सकता है, एक पॉजिटिव सिग्निफिकेंस हो सकता है, एक नेगेटिव सिग्निफिकेंस। पॉजिटिव सिग्निफिकेंस क्या होगा, नो इनफ निकोटिन देन पीपल विल नॉट गेट अट्रैक्शन, क्योंकि देखिए आप थ्रेशोल्ड लेवल तो चाहिए यार, आप सिगरेट तो मैं तभी ना पीऊंगा जब मुझे रिलीफ मिलेगा, अगर मुझे उतना निकोटिन नहीं मिल रहा तो मैं पीऊंगा क्यों, तो लोग छोड़ देंगे इससे, है ना। तो ये एक पॉजिटिव अच्छा चीज़ हुआ। इट विल रिड्यूस द प्रोलिफरेशन ऑफ सिगरेट कंपनीज, क्योंकि यार सिगरेट कंपनी इसलिए प्रोलिफरेट कर रही थी क्योंकि गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशन लगे नहीं लगाया हुआ था उनके ऊपर, ठीक है, लो जितना पीना है पियो, जितना निकोटिन लगना है रखो, है ना। तो इसलिए क्या मिल रहा था ना, देखा जा रहा था दैट यूएस के मार्केट में ये सब कंपनियां प्रोलिफरेट कर रही थी, मतलब बढ़ रही थी, ठीक है। तो इससे अभी वो मार्केट कम, मतलब प्रोलिफरेशन घटेगा। इट विल सेट प्रेसिडेंस फॉर अदर कंट्रीज ऑल्सो, क्योंकि ये यूएस के द्वारा अपनाया गया है तो दूसरे कंट्रीज भी इसको देख के कुछ सीखेंगे, चलो भैया यूएस ने ऐसा किया, हम लोग वो भी अपना देश में ऐसा लेजिस्लेशन लाता है जिससे क्या मतलब सिगरेट पीना घर सके। रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑफ द पुअर फैमिलीज। आप देखिए, अब मैंने यूएस का बात बोल रहा हूँ, आप बोलेगा यार यूएस में पुअर फैमिली कैसे होगा, ऐसा नहीं भाई, हर कंट्रीज में पुअर होते हैं, ठीक है। तो वहाँ के भी कुछ कुछ पुअर लोग भी ये पीते हैं, तो इससे ये होगा दैट वो लोग इस जो पैसा जो इस सिगरेट में लगाते थे वो पैसा सिगरेट में नहीं लगा के कुछ अपना अपने फैमिली या बच्चों के बारे में सोचेंगे उस पैसों से। इट विल रिड्यूस द केसेस ऑफ पैसिव स्मोकिंग। अब देखिए पैसिव स्मोकिंग क्या होता है, मैं तो सिगरेट पी रहा हूँ बट बाजू में आप खड़े हो, ठीक है, तो मेरे धुएं से जो आप सांस ले रहे हो ना, तो आपको भी मतलब डायरेक्टली तो आप एक्टिवली
पी नहीं रहे हो बट पैसिवली आप पी रहे हो, मतलब नहीं पी के भी आप सिगरेट पी रहे हो, ठीक है, तो आपका भी खतरा बना हुआ रहता है दैट लंग कैंसर आपको भी हो सकता है। तो वो चीज़ जिससे घटेगा, क्योंकि देखिए लोग आप पीना कम करेंगे, ठीक है, आप पीना कम कर देंगे तो यू नो रिस्पेक्टिवली, तो जैसे पीना कम होगा तो ये भी तो लेवल घटेगा यार पैसिव, क्योंकि लोग दूसरों के सामने पियेंगे नहीं तो यू नो मेरे को होगा कैसे, जो मैं बोल रहा था पैसिव स्मोकिंग मैं कर रहा था, मैं करूंगा ही नहीं पैसिव स्मोकिंग, ठीक है, तो ये घट जाएगा। साथ ही साथ लंग कैंसर के केसेस जिससे बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं दोस्तों, उसमें भी काबू मिलेगा, है ना। तो इतने सारे आप लिख सकते हो पॉजिटिव। आप नेगेटिव इसके इम्पैक्ट देख सकते हो क्या क्या होगा। सिगरेट कंपनीज को नुकसान होगा क्योंकि उनका बिजनेस ठप हो जाएगा, उनके बिजनेस की वाट लग जाएगी। नेक्स्ट है टोबैको फार्मर्स है, उनको भी लॉस होगा क्योंकि यार अब जो भी टोबैको या निकोटिन के रिलेटेड यू नो जो बिजनेस में थे उन लोगों को तो लॉस होगा ना यार, क्योंकि अब सरकार ही मना कर दिए तब तो यू नो उनका बिजनेस कहाँ जाएगा, अब उसको दूसरे बिजनेस में उनको ट्रांजिशन करना पड़ेगा, ठीक है, तो यही है लॉस होगा। साथ ही साथ माइनर इफेक्ट ऑन गवर्नमेंट रेवेन्यू, देखिए गवर्नमेंट रेवेन्यू इफेक्ट तो होगा, थोड़ा इफेक्ट तो होता है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट टैक्स लेती है, ठीक है, बट स्टिल यू नो ये आपको नेगेटिव पॉइंट में लिखना है इसलिए मैंने लिखा है ना, बट इसको आपको वे फॉरवर्ड में कभी मत लिखिएगा दैट गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो जाएगा इसलिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, नहीं, क्योंकि ये अच्छी बात है, यहाँ पर भले ही रेवेन्यू डायरेक्ट लॉस हो रहा है बट वही पैसा जो बाद में आपको जाके वो बंदा जो अपने फैमिली या बच्चों पे लगाएगा तो उससे यू नो फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है, ठीक है, तो इसीलिए ये लॉस नहीं हमें सोचना चाहिए, बट स्टिल क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट भी हमें लिखना है इसलिए मैंने ये लिखा है ना, तो आप मतलब ये हमें उतना यार जब भी आंसर लिखते हो इतना तो दिमाग में रहना चाहिए यार कि आप इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, ठीक है, आपको इतना तो सोचना चाहिए। अब इसका इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया क्या है, ऑल ऑफ द अबव डिस्कस पॉजिटिव सिग्निफिकेंस, जो भी हमने अभी डिस्कस किया वो सब तो इंडिया में होना ही है, बस और भी कुछ कुछ फायदे हैं वो देख लेते हैं। इफ इम्प्लीमेंटेड, अगर उसको इंडिया में भी इम्प्लीमेंट कर लिया गया तो क्या होगा, कंसिडरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, मतलब सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जैसा हमारा सोसाइटी का है, आवर सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इज नॉट लाइक द सोसाइटी ऑफ US, ठीक है, तो जो उनका इम्पैक्ट होगा उससे थोड़ा हटके हमारा इम्पैक्ट होगा, तो वही देख लेते हैं। इट विल प्रोवाइड अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ह्यूज फार्मर एसोसिएटेड विद टोबैको, दोस्तों वहाँ पर तो फार्मर कम थे बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा फार्मर्स टोबैको से डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है, तो उन पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है, ऊपर से आप देखिए उन लोग को ट्रांजेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सरकार पैसा दे देती है, यहाँ पर तो सरकार भी पैसे नहीं देती है ना, तो क्या होगा उनका। इट विल रिड्यूस द इंडियाज मेडिकल एक्सपेंडिचर, है ना, मतलब ये एक टाइप से अच्छा ही बात हुआ दैट यू नो इंडिया का जो मेडिकल एक्सपेंडिचर जो लंग कैंसर में लगता था यू नो उस वो थोड़ा घट जाएगा, ठीक है, और लोग थोड़ा यू नो मतलब थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे लोग। इट विल बी ए स्टेप फॉरवर्ड फॉर द यूनिवर्सल हेल्थ केयर, देखिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर तो सरकार प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है सबको, हर टेस्ट इम्यूनाइजेशन तो नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, बट स्टिल ये इनडायरेक्टली एक यूनिवर्सल यू नो हेल्थ केयर प्रोवाइड करने लायक ही एक स्टेप है, ठीक है, अगर सरकार ने ये चीज़ प्रोविजन अपने भी देश में इंक्लूड कर लिया तो, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है दैट क्योंकि अमेरिका कंपनी अब वहाँ पर सोचेगी यार हमारा अमेरिका में तो बिजनेस नहीं हो रहा, हम दूसरे कंट्रीज में बिजनेस जाएंगे, ठीक है, तो उससे भी हमारे इंडिया को इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखिए कैसे, अमेरिका कंपनी विल फोकस ऑन डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ पर उनको मार्केट मिल सकता है, और वो डेवलपिंग कंट्रीज अभी सबसे ज़्यादा बड़ा बड़ा क्या है, इंडिया और चाइना, ठीक है, तो यहीं पर वो कंट्रीज फोकस करेगी, ठीक है, तो ये हमारे इंडिया में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है वो हमने 3 पॉइंट्स अच्छे से देख लिए, है ना। अब देखते हैं वे फॉरवर्ड कुछ कुछ पॉइंट्स दैट ऐसा तो हो सकता है दैट कंपनियां यहां पर है बट इंडियन गवर्नमेंट को भी सतर्क रहना चाहिए, ठीक है, एंड इंडियन गवर्नमेंट मस्ट नॉट लेट द इंटरनेशनल कंपनीज टू प्रोलिफरेट देयर फुटस्टेप्स इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में ये अमेरिका से भी ज्यादा प्रॉब्लम है भाई, हम लोग और भी बुरे हालात से गुजर रहे हैं क्योंकि हमारा सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इज नॉट लाइक दैट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसलिए हमें इसको टैकल करने में थोड़ी ज्यादा मुश्किल आ सकती है, है ना, तो एनीवेज वो तो एक पॉइंट है। नेक्स्ट आप पॉइंट लिख सकते हैं दैट स्टेक होल्डर्स जितने भी इससे रिलेटेड है जैसे सोशल एक्टिविस्ट, है ना, जितने भी एनजीओज रिलेटेड है, ठीक है, सबको एक साथ आना चाहिए एंड रेज वॉइस अगेंस्ट दिस अनवांटेड थिंग वॉट एवर इज, मतलब सिगरेट पीना निकोटिन वाला, है ना, उसको सबको एक साथ वॉइस मतलब बढ़ाना चाहिए इंटरनेशनल फोरम में जिससे क्या ये बंद हो सके और लोगों का सेहत ठीक हो सके, ठीक है, क्योंकि यही तो सिगरेट इज नॉट द वन वे ऑफ लिविंग यार, आप दूसरा भी आप बहुत तरीका है जीने का, है ना, तो ये हो गया। नेक्स्ट है राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन द रिसेंटली साइंड यूनाइटेड नेशंस पैक्ट ऑन टू बैन न्यूक्लियर वेपन्स। देखिए रिसेंटली कुछ महीनों पहले ऐसे यूनाइटेड नेशंस में प्रपोज किया गया था, एक पैक्ट लाया गया था जिसके तहत बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज ने साइन किया उस पैक्ट को, और वो पैक्ट था बैन न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स को दुनिया से
इरेडिकेट करने के लिए, ठीक है, वो पैक्ट था, तो उसका क्रिटिकल नोट आपको लिखना है, मतलब उसकी क्या क्या अच्छी बात है, क्या क्या थोड़ी मोड़ी फॉल्ट या फिर यू नो मतलब उस लेजिस्लेशन में क्या क्या थोड़ी कमियां हैं, वो चीज़ आपको दोनों चीज़ अच्छे से यहाँ पे मेंशन करना है ना। तो पहले तो ये लिख लीजिए दैट वो यूनाइटेड नेशंस में लाया क्यों गया, ठीक है, ये भी क्योंकि ये भी अब अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज कीजिएगा तो उससे ये भी बता रहा है दैट वो लाया लाया गया, ठीक है, तो क्यों लाया गया है उसको भी पॉइंट लिख दो, तब तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये तो ये लैंडमार्क यूएन पैक्ट टू बैन न्यूक्लियर वेपन्स एमिड किस किस क्यों लाया गया वो मैंने लिखा है, दैट नॉन रेटिफिकेशन ऑफ एनपीटी एंड सीटीबीटी बाई न्यूक्लियर कंट्रीज, जो न्यूक्लियर कंट्रीज है उन्होंने अभी तक एनपीटी या सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी साइन नहीं किया, या फिर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी साइन नहीं किया, ठीक है, तो इसीलिए बाकी कंट्रीज ने सोचा दैट ये वाला ट्रीटी लाए, है ना। साथ ही साथ रिसेंटली एक अपना अगर केस ध्यान दिया होगा तो मार्शल आइलैंड्स ने यू नो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ मैंने लिख दिया, जे होगा, है ना, यहाँ पे जे होगा, तो एनीवेज वो लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर कंप्लेंट किया था दैट यू नो 1915 को जो यूएस ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो उनसे उनके कंट्रीज में भी कुछ रेडिएशंस का इफेक्ट गिरा था, ठीक है, तो इसलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उन्होंने हर जितने भी सारे न्यूक्लियर कंट्रीज है सबके अगेंस्ट केस ठोक दिया था, इंडिया के केस अगेंस्ट भी ठोका हुआ था, इंडिया पाकिस्तान और बाकी जितने सारे कंट्रीज है, ठीक है, तो वही पर वो लोग वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने वो ये केस हार गए, है ना। अब देखिए यहाँ पर तो आप मैंने तो बोल रहा हूँ ये कोर्ट हार गए, ये तो जस्ट इस क्वेश्चन का पॉइंट है, बट यहाँ से आपको और एक पॉइंट मिल जा रहा है दैट देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कितना वेस्ट इंक्लाइंड है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के पास पूरा यू नो भरा हुआ है न्यूक्लियर वेपन, है ना, और न्यूक्लियर ऐसा चीज है जो जिसको किसी को भी समर्थन नहीं करना चाहिए, है ना, बट तब भी उन्होंने मार्शल आइलैंड के खिलाफ ये वर्डिक्ट जारी किया, ठीक है, भले ही देखिए रीजंस कुछ भी हो सकता है, वो लोग रीजंस बना सकते हैं ना, वो हमें रीजंस ध्यान नहीं रखना, बट अल्टीमेटली अब देखिए ना मार्शल आइलैंड एक छोटा कंट्री है, वो कंप्लेन करने का उसको हक बनता है, जरूर हक बनता है, इनफैक्ट भले इंडिया के खिलाफ किया है ना, देखिए हम लोग अभी तो अभी आप यू नो सोशल एक सोशल एंगल से सोच रहे हैं, ठीक है, भले इंडिया के खिलाफ किया तो वो हमें नहीं सोचना, ठीक है, इंडिया ने भी न्यूक्लियर वेपन रखा हुआ है, दैट इज बात का बात, हमने इसलिए रखा है क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के पास भी है, ठीक है, तो वो अलग बात है, बट यहाँ से दूसरा एंगल भी मिल गया दैट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वेस्टर्न कंट्रीज को ज़्यादा फेवर करता है, चलिए वो तो अलग टॉपिक है, मेन टॉपिक में ये यहाँ पर, तो हमने दो रीजंस लिख लिया दैट क्यों न्यूक्लियर वेपन ये जो ट्रीटी है लाया गया था यूनाइटेड नेशंस में। अब उसके दो एंगल पूछे थे दैट इस ट्रीटी का मतलब सिग्निफिकेंस, वही ना क्रिटिकल नोट लिखने बोला था ना, तो पॉजिटिव इसका नेगेटिव एंगल दोनों लिख सकते हैं। पॉजिटिव एंगल में होगा इससे इट विल बैन न्यूक्लियर वेज यूज इन ऑल फॉर्म, हर फॉर्म का न्यूक्लियर यूज बंद कर देगा, वेदर इट विल बी रिलेटेड टू प्रोडक्शन स्टॉक पाइल या फिर टेस्टिंग, है ना, ऐसा आर्टिकल में लिखा हुआ था, मैंने आर्टिकल पढ़ा था। तो अंडरग्राउंड एक्सप्लॉयटेशन को भी बैन कर दिया गया, माइनिंग वाइनिंग के लिए कुछ कुछ अंडरग्राउंड एक्सप्लॉयटेशन में अलाउ किए गए थे पहले वाले ट्रीटीज के द्वारा, वो सब भी इस पे बैन कर दिए गए हैं, ठीक है, तो ये एक टाइप से अच्छा है क्योंकि अंडरग्राउंड भी कंटामिनेशन बहुत ज्यादा होता है ना। नेक्स्ट इज विक्टिम्स को कॉम्पनसेशन देने का अलाउंस है, और साथ ही साथ इट विल प्रोविड द यूजेज ऑफ न्यूक्लियर एंड एज वेल एज थ्रेट ऑफ टू न्यूक्लियर, कोई भी कंट्रीज होती थी एक तो न्यूक्लियर यूज करती थी, सो दैट इज बैन टोटली, बट स्टिल इसके तहत और भी बोला गया था आप थ्रेट भी नहीं दे सकते, यू कांट थ्रेट अदर कंट्रीज दैट यू नो आई एम प्रोसेसिंग न्यूक्लियर वेपन एंड मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूंगा, है ना, सो ये इसके पॉजिटिव एंगल्स है। नेक्स्ट इज रोड ब्लॉक्स देखते हैं, रोड ब्लॉक्स है दैट रिलेक्टेंस ऑफ न्यूक्लियर प्रोसेसिंग स्टेट्स, जितने सारे कंट्रीज है US चाइना रशिया फ्रांस है ना, ये लोग कोई भी इस ट्रीटी को साइन नहीं करना चाहता है, और इंडिया क्यों करेगी भाई, पहले पाकिस्तान करो चाइना करो उसके बाद ना इंडिया करेगा, क्योंकि इंडिया का तो आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री भी एकदम क्लीन है ना, तो वही बोल रहा है दैट ये जब तक न्यूक्लियर स्टेट्स इस पे आगे नहीं बढ़ेंगे तो तब तक ये ट्रीटी कैसे यू नो चालू में आएगी, है ना। नेक्स्ट इज स्टिल अज्यूम दैट स्टिल अज्यूम न्यूक्लियर वेपन्स एंड टेक इट टू बी अ वेपन ऑफ डिटरेंस, मतलब वो लोग बोल रही है नहीं हम न्यूक्लियर वेपन को दूसरे के खिलाफ यूज करने के लिए नहीं रखा है, बट वी आर हम लोगों ने इसलिए रखा है क्योंकि वी कैन यूज इट एज अ डिटरेंस, दूसरे के यू नो जिससे दूसरा डर पैदा रखे हम लोग कंट्री पर अटैक ना करे, है ना, उस दूसरे को डर दिखाने के लिए हम लोगों ने न्यूक्लियर वेपन रखा है, तो ये तो खैर बात का बात हुआ, बट एक्चुअली तो नहीं रखना चाहिए हम लोग किसी को भी, है ना, डोंट वेस्ट डोंट वांट टू लूज द होल्ड,
ठीक है, मतलब अपना जो डोमिनेंस है वो रीजनल डोमिनेंस, जैसा यूएस का ही देख लीजिए, यूएस सब समय चाहता था दुनिया का रीजनल डोमिनेंस बना हुआ रहा, ठीक है, इसलिए उसने नाटो भी कंट्री का गठन किया, जिससे मैंने नाटो के अलायंसेस और सब अलायंसेस को कुछ कुछ यूरोपियन नेशंस में भी यूएस का न्यूक्लियर वेपन रखा हुआ है ना। तो यही बोल रहा है दैट ये सब रोड ब्लॉक्स है, ये सब अगर क्लियर नहीं हो तब तक ये ट्रीटी साइन नहीं हो सकता है ना। तो ओवरऑल अगर आप एक नीड, मतलब फ्यूचर में क्या करना चाहिए वो भी आप वे फॉरवर्ड पॉइंट भी अगर सजेस्ट कर दोगे तो बहुत अच्छा है। नीड है, मैं आप बोल सकता हूँ दैट इंटरनेशनल कम्युनिटी को निगोशिएशन टेबल में बैठना पड़ेगा और एमिकेबली ये इशू को डील करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ रीज़न भी दिया गया है दैट कॉज इम्पैक्ट, सिर्फ आप से फॉर एग्जांपल अगर यूएस रशिया में गिराता है न्यूक्लियर वेपन, सिर्फ रशिया को इम्पैक्ट नहीं होगा, आजू बाजू जितने कंट्रीज है उसमें भी थोड़ा रेडिएशंस के इफेक्ट जाएंगे, जैसे यूक्रेन, बेलारूस, लतविया, एस्टोनिया, फिनलैंड है ना, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, मतलब आजू बाजू जितने कंट्रीज है जा तो सकते ही है ना रेडिएशंस, है ना। तो ऐसा तो नहीं है ना दैट आप किसी कोई कंट्री और किसी कंट्री में अगर डाल रहे हैं तो सिर्फ उसी कंट्री के लोग अफेक्टेड होंगे, ठीक है, ऊपर से लोग अफेक्टेड होंगे तो मासूम लोग भी अफेक्टेड हो जाएंगे यार, ये गलत बात है ना। तो यही आप बता सकते हो दैट हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को ओवरऑल बैठ के इस बात पर एमिकेबली सोचना पड़ेगा, ठीक है, और अच्छे से नए सिरे से इस बात को फिर से आगे ले जाना पड़ेगा, तभी कुछ ये बात सुलझ सकता है ना। सो गाइज अभी तक तो इतना ही, मतलब यही दो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, शाम तक मैं बाकी क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा, बाकी दो क्वेश्चंस, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, एंड दोस्तों एक हो सके तो ये हो सके तो आप अगर आप किसी भी कोई भी अगर आईएएस प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट आप जुड़े हुए हो तो प्लीज़ वहाँ पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, ठीक है, सो दैट इट कैन रीच आउट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, राइट। सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड थैंक यू वेरी मच।